सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। तो मैं सिंपली फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैं एक्चुअली फोटोशॉप सीसी 2018 यूज़ कर रहा हूँ। आप कौन सा फोटोशॉप वर्जन यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी कार्ड डिजाइन लिख देता हूँ। डिजाइन, उसके बाद हम जो आईडी कार्ड बनाएंगे, आईडी कार्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है आप उसको लैंडस्केप बना सकते हैं और एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो आज हम डिजाइन करेंगे लैंडस्केप में। तो मैं उसका यूनिट लेता हूँ सेंटीमीटर। तो आईडी कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 8.5 सेंटीमीटर बाई 5.5 सेंटीमीटर। अगर आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आप ऊपर में विड्थ लेंगे 5.5 और हाइट लेंगे 8.5। तो उसका रेजोल्यूशन आप लेने देंगे 300। और जो कलर है, कलर हम इसको रखते हैं CMYK में। उसके बाद इसको वाइट रहने देते हैं। उसके बाद क्रिएट, देखिए हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंटर पॉइंट लेने के लिए सिंपल कीबोर्ड से आप सी टाइप कीजिए तो आपका ये आ जाएगा। कुछ इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स हो जाता है। तो आप सिंपली आप ऊपर से रूल को खींच लीजिए इस तरह से, रूल को जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर लीजिएगा। ये जो रूल के जो अंदर है ये हमारा सेफ एरिया है। हम जो भी डिजाइन करेंगे इसी के अंदर करेंगे, बाहर में हम इसको नहीं करेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है ताकि जब प्रिंटिंग होगा तो अगर प्रिंटिंग होने के कटिंग में कुछ कटिंग हो जाने का चांसेस है तो सबसे बेस्ट है कि हम कुछ एरिया को सेफ करके रख लेते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेक्टेंगल मार्कर टूल को लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं इस एक डिजाइन करता हूँ, एक इस तरह शेप एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसके इसको एक कलर फिल करने के लिए यहाँ पे मैं स्वाच में आता हूँ और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, ये कलर को ले लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पेन बकेट टूल में आइए, उसको सिंपली मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये हमारा फिल हो गया ये लेयर। अभी मैं चाहता हूँ कि पहले लोगो लाओ, लोगो को मैं इस जगह पे रखता हूँ। तो लोगो को ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लोगो को। तो ये देखिए लोगो ये है। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे रख देता हूँ लोगो को। तो लोगो का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी टैप कीजिए। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म टूल ओपन हो जाएगा। सिंपली आप शिफ्ट दबा के इसको कोई भी एक कॉर्नर से आप इसको शिफ्ट दबा के छोटा कर दीजिए। तो मैं इतना कर देता हूँ। इस पोर्शन में लिखता हूँ आइडेंटिटी कार्ड। तो सिंपली मैं टी दबाता हूँ, टी दबाता है आपको टाइप टूल ओपन हो जाएगा। और नहीं तो आप टाइप टूल को यहाँ से भी ले सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट है टी। आप जैसे टी दबाएंगे टाइप टूल ओपन हो जाएगा। तो सिंपली मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी कार्ड, इसको मैं रेड में लेने देता हूँ। तो रेड में लेने के लिए यहाँ पे देखिए मेरा है, तो सिंपली यहाँ से आप रेड ले लीजिए। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कंट्रोल टी। और उसके बाद ठीक है, आप सेंटर में लाइए। ये रूल देने का फ़ायदा यही होता है, तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। तो अंडरलाइन करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल यू पकड़ के कर दीजिए, शिफ्ट कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फ़ोटो देना चाहता हूँ स्टूडेंट का, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राउंड रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फ़ोटो के लिए एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि फ़ोटो को मैं इसमें डाल दूँगा। बस इतना रहने देते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्री स्कूल। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्री स्कूल, प्री स्कूल। तो ये अंडरलाइन आ रहा है, इसको सिंपली आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए कंट्रोल ए, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल यू करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो हो गया, मैं स्कूल को जो है इसको वाइट कर देना चाहता हूँ। तो सिंपली स्कूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे से मैं 3 times F लिखता हूँ तो वाइट हो जाएगा। ये इसका हेक्सा कोड है तो ये वाइट हो गया।
अभी मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स सेट देना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं प्री स्कूल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप सेडो वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पोर्शन में। तो ये ड्रॉप सेडो में इसको ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ब्लैक के लिए या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे 3 times F0 क्लिक कर लीजिए। 1, 2, 3 देखिए ये ब्लैक में आ गया। तो आप इसको आप यहाँ पे इसका सर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आप इसको प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी कमा घटा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ पे साइज दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से। तो ये मेरा बन गया प्रे स्कूल। अभी मैं यहाँ पे अभी ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैं एक ग्राफिक देना चाहता हूँ। तो ग्राफिक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं आप इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं ये देखिए ग्राफिक है, इसको मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया है, कुछ किया नहीं है, पेन टूल लिया, पेन टूल से एक क्लाउड की शेप बनाया, उसके बाद इसमें कुछ टेक्चर डाल दिया और कुछ ड्रॉप शेडो वगैरह वगैरह डाल दिया। तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। या हम जो भी डिटेल्स लिखेंगे ना इस सभी इस पोर्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ देना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसको लेके आता हूँ। इसको भी मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, ये नेट में अवेलेबल है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसको कंट्रोल टी क्लिक कीजिए, कंट्रोल टी क्लिक करते आपका ये ट्रांसफॉर्म टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देखिए, इसको थोड़ा कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं आप। इसको छोटा करने के लिए फिर से कंट्रोल टी और शिफ्ट ऑल दबा के छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल दबाने से क्या होगा कि चारों तरफ से इक्वली छोटा बड़ा होगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ और इसको नीचे लाइए, ये जो क्लाउड है क्लाउड के नीचे में लाइए। सो सिंपली इसको आप इस तरह से कर दीजिए, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा लुक टू आ रहा है धीरे धीरे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में स्टूडेंट का डिटेल देंगे। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी इसको टाइप करके रखा हुआ हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसका कलर में रखना चाहता हूँ येल्लो, जो कि स्टूडेंट आई कार्ड है तो स्टूडेंट का येल्लो अच्छा होता है, येल्लो रख लेता हूँ। लेफ्ट में है, राइट में करने के लिए सिंपली आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ पे देखिए राइट कर दीजिए, तो ये आपका राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं इसको ऑल दबा के कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो आप कर लेंगे इस तरह से और इसको शिफ्ट दबा के यहाँ पे ले आइए। उसके बाद इसको टाइप, देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे फ़ोटो डालना चाहता हूँ, तो फ़ोटो के लिए मैंने एक फ़ोटो डमी फ़ोटो लेके रखा है। तो सिंपली मैं इसको ओपन में क्लिक करता हूँ, सपोज़ मैं ये फ़ोटो को ले लेता हूँ। फ़ोटो आके इसको अनलॉक करना होगा, बैकग्राउंड को अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक कीजिए, अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग करके आप आईडी कार्ड में ले जाइए और यहाँ पर छोड़ दीजिए आप इसको। ये देखिए आपका सेप कहाँ है, सेप के जस्ट ऊपर में होना होगा। तो ये मेरा सेप है, तो फ़ोटो को जस्ट इसको ऊपर होना होगा। तो मैं इसको खींच के लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए ये मेरा सेफ है और ये फ़ोटो ऊपर। तो अभी क्या करेंगे, आप फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको लेफ़्ट क्लिक कीजिए, सॉरी राइट क्लिक कीजिए। उसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो आप सिंपली क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स के अंदर चला जाएगा। अभी फ़ोटो छोटा है तो इसलिए फिट नहीं हुआ, अगर फ़ोटो बड़ा होता तो अंदर चला जाता। तो इसको हम अभी एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप कंट्रोल टी टिपिए, कंट्रोल टी टाइप कीजिए और उसके बाद शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप इसको बड़ा कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो देखिए बाहर नहीं जाएगा, ये बॉक्स के अंदर ही रहता है। और भी बहुत तरीका है फ़ोटो डालने का, लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा लगता है। ये हो गया, ये ऑलमोस्ट हमारा 90% बन ही चुका है, क्योंकि स्टूडेंट का आईडी कार्ड ज़्यादा कुछ देने का अच्छा ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं इस पोर्शन में अभी एड्रेस को डालता हूँ, तो एड्रेस को भी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो सिंपली मैं इसको लेता हूँ, कॉपी, उसके बाद टाइप टूल तो टी दबाइए और इसके बाद आप यहाँ से एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप
लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप सिंपली यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए हमारा आइकन ऑलरेडी बन चुका है ऑलमोस्ट। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। सिंपल डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ इसमें यूज़ नहीं किया, थोड़ा ये ग्राफिक यूज़ किया और एक फ़ोटो लगा दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।